आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, गोवा में एक मां ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। महिला का नाम सूचना सेठ है और वो बेंगलुरु में एक AI कंपनी में CEO है। सूचना सेठ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में सूचना ने पुलिस को बताया कि वह अपने बच्चे को उसके पिता से नहीं मिलने देना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सूचना सेठ के पति को कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने बेटे से मुलाकात करने का अधिकार दिया था। सूचना नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, इसलिए उसने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। गोवा पुलिस ने कर्नाटका पुलिस के साथ समन्वय में बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी की 49 वर्षीय CEO सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ ने गोवा में एक होटल के कमरे में अपने बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि सूचना ने हत्या के बाद बेटे के शव को एक बैग में बंद किया और होटल से टैक्सी करके बेंगलुरु के लिए निकली। होटल के कमरे में सफाई के दौरान कर्मचारियों ने खून देखा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने यह भी नोटिस किया कि सूचना के साथ उसका 4 साल का बेटा नहीं था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने होटल में पहुंचकर उस टैक्सी वाले को मोबाइल पर फोन किया जो सूचना को लेकर निकला था। मोबाइल पर बात करते हुए सूचना ने दावा किया कि चादर और तोलिए पर खून उसके माहवारी का है। वहीं बेटे को लेकर उसने कहा कि वह उसे मडगांव में अपने एक दोस्त के घर छोड़कर आई है। सूचना ने पुलिस को एक गलत पता भी दिया। आखिर पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया। सूचना को चित्रदुर्ग में रोका गया, उसके बैग की तलाशी ली गई तो बच्चे की लाश निकली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूचना ने बताया कि उसके पति और उसका विवाद चल रहा है, दोनों का कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। उनका 4 साल का बेटा उसके साथ ही रहता था। वह अपने बच्चे को अपने पति को नहीं देना चाहती थी और ना ही उससे मिलने देना चाहती थी। सूचना ने बताया कि दोनों का कोर्ट से तलाक होने वाला है। इसी बीच उसके पति ने कोर्ट से अपने बच्चे से मिलने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने भी उसे अनुमति देकर ये कहा था कि हर रविवार को उसका पति उसके बेटे से मिल सकता है। सूचना ने कहा कि लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बच्चे से मिले, इसलिए उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। इधर पुलिस ने सूचना के पति को इस घटना की जानकारी दे दी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।